भाभी की फोटो दिखा। रिया, अबे तुम दोनों जानते हो उसको? और तुम्हें कैसे पता इसका नाम रिया है? एक मिनट, मतलब तुम दोनों पहले इससे मिल चुके हो? हाँ हाँ यार, शी इज माय गर्लफ्रेंड। माइंड टू यार तेरी। ओ टिक जा। मतलब ये देख, तू भी देख, शी इज डेटिंग मी एंड आई लास्ट एंड आई मीन आई लव हर। अबे यार तुम रुको, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तू भी ये देखो, पिछले एक महीने से लव यू बोल बोल के थक गया हूँ यार। ओ भाई तुम क्या बोले जा रहे हो दोनों? ये गर्लफ्रेंड है मेरी और बोल रहा हूं मैं तुम दोनों से मान जाओ, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। देख शानू, मेरी बात सुन, दोस्ती अपनी जगह और प्यार अपनी जगह, और मैं रिया से प्यार करता हूं तो तेरे लिए अच्छा यही होगा, तू हम दोनों के बीच में ना आए। अच्छा, और मैं यहाँ भजन करने के लिए बैठा हूं? अरे तुम दोनों इसे कैसे जानते हो मुझे नहीं पता। और तुम दोनों के लिए ना यही अच्छा होगा कि भाई तुम दोनों इससे दूर रहो यार। दूर रहो मतलब? क्या दूर रहना अच्छा है भाई? क्या दूर रहूं इससे? क्या बोले जा रहा है भाई तू? भाई दूर रहो यार। अरे शांत हो जाओ यार तुम दोनों। अरे हम तीनों भी लड़ रहे हैं आपस में, एक रास्ता है जिससे हम ये तय कर सकते हैं रिया को कौन लेके जाएगा। अरे यार क्या रास्ता, वो कोई मोबाइल थोड़ी है जो स्वाइप करेंगे और ले जाएंगे। सही कह रहा है भाई, कोई सामान थोड़ी है। देख गर्लफ्रेंड है मेरी। करण, क्या सच में कोई ऐसा रास्ता है जिससे पता चले रिया किसकी है? हाँ है ना। अबे तू मुस्कुरा क्यों रहा है यार? तू सिर्फ हमें इतना बता कि तेरे पास क्या रास्ता है ऐसा। और तेरे इस घटिया दिमाग में चल क्या रहा है? और साले सबसे पहले मेरा क्रेडिट कार्ड वापस कर तू। ये ले तेरा कार्ड। अच्छा मेरी बात सुनो, सोचो, ये बन गया है अब एक लड़की युद्ध, जहां लड़की एक है और दूल्हे हम तीन। अरे तू क्या स्वयंवर कराएगा अब रिया का? पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, हमें सिर्फ इतना पता करना है रिया के सबसे करीब कौन है, या हम में से रिया के लायक कौन है। ओ हेलो, ये सब कैसे पता लगेगा कि रिया के सबसे करीब कौन है? या तो उसको यहां बुलाना पड़ेगा या उससे पूछना पड़ेगा। हाँ शानू भाई, बात तो सही है यार, बिना रिया के ये कैसे पता चलेगा? हम तीनों आपस में एक गेम खेलते हैं जिसमें दांव पर लगेगी रिया, हमारा जुआ होगा रिया पे। रिया पे दांव? क्या ऐसा भी कोई गेम है जिसमें रिया को दांव पे लगाना पड़ेगा? मैं गेम के बारे में सब बताता हूं, लेकिन सबसे पहले एक बात बता दूं, अगर हमने ये गेम शुरू किया तो ना तो हम में से कोई पीछे हट सकता है, ना कोई इस गेम को बीच में छोड़ के जा सकता है। बोलो है मंजूर? अबे भाई जल्दी बोल, क्योंकि ऐसे तो फैसला होना नहीं। अगर प्यार करते हो रिया से तो कूदो फिर मैदान में। अबे तो प्यार की बात तो करी ना, रिया के लिए तो कुछ भी कर जाऊं मैं। ठीक है, तैयार हूं मैं। ठीक है भाई लोग, जब बात रिया पे आई गई है तो फिर पीछे क्या हटना, मैं भी तैयार हूँ। पता क्या करना है? ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। हम तीनों अब तैयार हैं, अब देखना यह है कौन रिया के प्यार की बाजी मारता है और कौन रिया से राखी बंधवाता है, क्योंकि वो तुझसे भी प्यार करती है, तुझसे भी प्यार करती है, और खैर मुझसे तो करती ही है। अब गेम ये है कि मैं एक तांत्रिक को जानता हूं जो हमें ये बता सकता है कि रिया के मन में क्या है, या हम तीनों में से रिया के लायक कौन है। अबे करण, इसमें तांत्रिक से क्या लेना, ये तो हम सीधा रिया से पूछ लेते हैं और फैसला हो ही जाएगा। भाई ये तांत्रिक के लफड़े में ना ही पड़े ना तो ही अच्छा है। भाई मैंने सुना है ये भूत प्रेत किसी के सगे नहीं होते। अबे लड़ने से पहले ही हार मान गए तुम दोनों, इतना ही प्यार था रिया से जो भूत से डर गए। देख डरने की बात नहीं है, तू बात कर, मैं तैयार हूं। पर ये तांत्रिक है कौन? हाँ करण, वैसे कौन है ये? उसका नाम है छोटा तांत्रिक। वो इतनी पहुंची हुई चीज है कि तुझे गधा और तुझे भूत बना सकता है। वो तो यहाँ तक कि ये भी बता सकता है हम क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं और क्या पीते हैं। क्या सच में कोई ऐसा तांत्रिक भी हो सकता है जो ये सब बता दे?
हाँ, उसकी आंखें छोटी जरूर हैं, पर खौफ से भरी हुई हैं। वो दिखने में इतना खतरनाक है कि वो जो भी बोलता है वो बात सच हो जाती है। और अब हमारे पास सिर्फ एक यही रास्ता है कि हम उसके पास जाएं और उससे जानें कि रिया के मन में क्या है। ठीक है भाई, बता कब चलना है। कब क्या, उठो और चलो।